हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था और साथ ही साथ उस अधिवेशन की मुख्य विशेषता क्या रही या उस अधिवेशन में कौन सा ऐसा प्रस्ताव था जो पास किया गया या जिसकी वजह से वो अधिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तक हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, स्थान बम्बई, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी दो बार अध्यक्ष रहे 1885 में और 1892 में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया। 1886 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी, ये तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1886, 1893 और 1906। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और साथ ही ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान इलाहाबाद, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान वाराणसी, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान सूरत, अध्यक्ष रास बिहारी घोष, इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष विशन नारायण दर, इस अधिवेशन में पहली बार जन गणमन का गान किया गया। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया, नरम दल और गरम दल एक हो गए। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, तीन महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं, जिसमें 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान अमृतसर, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू दो बार अध्यक्ष बने 1919 और 1928। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान नागपुर, अध्यक्ष वीर राघवाचारी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान बेलगांव कर्नाटक, अध्यक्ष महात्मा गांधी मात्र एक बार बने। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कराची, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ।
1938 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान हरिपुरा गुजरात, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इसी अध्यक्ष अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया गया तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान रामगढ़, अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष जे बी कृपलानी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।